चैनल इंडियन कोड गुरु में मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपनी एंड्रॉइड ऐप के थ्रू वेब रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जो कि आपने जनरली अमेजोन फ्लिपकार्ट ये वो सारी ऐप जो कि इंटरनेट के बेस पे आपके फोन पे चलती हैं उन्हें ये चीज करते हुए देखा होगा। मतलब आप अपनी फोन से किस तरह से किसी वेब सर्वर को एक्सेस करेंगे या उसको रिक्वेस्ट करेंगे और वो उसे आपको रिस्पॉन्स करके आप स्क्रीन पर उसे किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, ये सारी चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल, विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बट अभी तक आप मेरे चैनल पे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं मुझे सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट की जो मैं बनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक चाहिए सर्वर, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा सर्वर जिसको मैं रिक्वेस्ट भेज सकूँ। तो मैं यहाँ पे जो सर्वर यूज़ कर रहा हूँ वो है वैम सर्वर, ठीक है ना। आप मैं जो रिक्वेस्ट भेजूंगा वो लोकल सर्वर पर भेजूंगा। अगर आप PHP डेवलपर हैं तो आप किसी को समझो कि वैम जैम, आप कोई भी सर्वर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर IIS यूज़ कर रहे हैं तो आप IIS कर सकते हैं, .NET यूज़ करते हैं तो .NET, और अगर आप रियल सर्वर यूज़ करते हैं मतलब वेबसाइट पे आप अपने सर्वर एक्चुअल सर्वर डाला है तो वो भी काम चलेगा, ठीक है ना। बट अभी मैं लोकली आपको बताता हूँ, मैंने वैम्प इंस्टॉल है जिसमें मैंने देखिए MySQL Apache वगैरह ऑन है, ये मेरा सर्वर हो गया, ठीक है ना। सेकेंड चीज़ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक PHP की फाइल या PHP का एक API जो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे और मुझे रिस्पॉन्स करे, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है, देखिए मैंने एक पेज बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर index.php का कोड है ये, ठीक है, जिसमें मैं गेट रिक्वेस्ट के थ्रू नेम और पासवर्ड, सपोज मैं दो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नेम और पासवर्ड, ये लेगा और आउटपुट में क्या कर रहा है ये देखिए, आउटपुट में सिर्फ हेलो और जो यूज़र नेम दिया है वो और उसका पासवर्ड वापस एज ए स्ट्रिंग मैसेज मुझे वापस देगा, ठीक है। इसको मैंने सेव कहाँ किया है मैं वही बता देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सेव किया हुआ है, मैं इसका सेवेज दिखाता हूँ आपको, देखिए मैंने इसे सेव कहाँ किया है। अगर आपने XAMPP वैम्प यूज़ किया होगा तो आपको पता होता है कि वैम्प फोल्डर के अंदर या के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा विच इज़ कॉल्ड STDocs। उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, देखिए एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है वॉली, ठीक है, आप जो भी नाम रखना चाहे रख लीजिए वॉली, और उसके अंदर जाके इस index.php को सेव किया हुआ है मैंने, ठीक है। अब जब तक हम एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है इस वैम्प को ऑन रखना है, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ आप क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं लोकल सर्वर पे काम कर रहा हूँ। अगर आप रियल सर्वर पे काम कर रहे हैं मतलब जैसे कि आपके डोमेन है और वहाँ पर है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी फाइल है वो सर्वर पे स्टोर करनी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ब्राउजर पे जाके मैं लिख रहा हूँ लोकल होस्ट, ठीक है, /wally और एंटर दबाया मैंने। तो यहाँ पे देखिए दो मैसेज एरर आ रहे हैं कि अनडिफाइंड इंडेक्स नेम index.php, क्योंकि अगर आपने गेट पोस्ट मेथड के बारे में पढ़ा होगा तो आप देखोगे गेट मेथड का मतलब गेट पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ कोई पैरामीटर नहीं दिया है, मतलब ये पेज मेरा चल रहा है। तो ये मेरा URL है, ठीक है, चाहे तो आप इसमें पूरे index.php भी लिख के काम, देखिए ये मेरा URL, मतलब मैं चाहता हूँ एंड्रॉयड ऐप इसको रिक्वेस्ट करे साथ में नेम और पासवर्ड भेजे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी एरर आ रही, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमें इससे अभी हम चाहें तो ये URL को आप कॉपी करके रख लें या डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है ना, मैं जल्दी से एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन कर लेता हूँ। देखिए चलिए मेरा यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो देखिए ऑन हो गया है, ठीक है। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ फटाक से जल्दी मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, देखिए न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी ले ली, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम क्या रख लिया मैंने, प्रोजेक्ट का नाम रखा HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। पैकेज नेम जो आप रखना चाहें रख लीजिए, लोकेशन आपको पता है, लैंग्वेज मैंने जावा ली है और मिनिमम API 15 लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एंड्रॉइड इंस्टॉलेशन और फर्स्ट ऐप कैसे बनेगी इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले उन वीडियो को देख लें, फिर अपन इसके आप इस वीडियो पे आके कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट ले रखी है, ये फिनिश किया, ठीक है। अगर आपके इसमें नेट चल रहा होगा, ठीक है, नेट चालू है तो ये ग्रेडल बिल करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोजेक्ट बनाने में, देखिए यहाँ पे लोडिंग प्रोजेक्ट, और अगर ग्रेडल अपडेटेड होगा तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। चलिए, ये मेरा प्रोजेक्ट बिल्ट हो गया, इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है, ये फाइनली में अपनी एंड्रॉइड जावा फाइल में आ गया, ठीक है ना। चलिए, अब सबसे पहले आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
सबसे पहले हम इंटरनेट पे जाके गूगल में जाएंगे, और गूगल में जाके हम सबसे पहले एक लाइब्रेरी सर्च करेंगे जिसका नाम है वॉली। ठीक है, वॉली एंड्रॉयड, आपको गूगल में जाके सिर्फ इतना लिखना है, वॉली एंड्रॉयड। ठीक है, तो वॉली एक ऑफिशियल लाइब्रेरी है एंड्रॉयड की, जिसके थ्रू हम वेब रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसके पहले हम जावा के थ्रू HTTP क्लाइंट वगैरह बना के करते थे, बट एंड्रॉयड ने अब उसका सपोर्ट लगभग लगभग बंद कर दिया है। तो वॉली के थ्रू ही जो डिफॉल्ट एंड्रॉयड, देखिए वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड्रॉयड, मतलब देखिए साइट भी जो ओपन हो रही है बोले development.android.com, मतलब एंड्रॉयड ने भी इसको ऑफिशियली क्या कर दिया है, इसको अलाउ कर दिया है। ठीक है ना, तो ये है वॉली का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वॉली का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या ऑफर दिए हैं, सॉरी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो आप यहाँ से देख के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट हमें जो यहाँ से चीज़ उठानी है वो क्या है, देखिए हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, एक टेक्स्ट दिया हुआ है विच इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, com.android.wally.wally1.1.1 ये जो दिया है, ये लाइन हमें उठानी है यहाँ से, इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है। ठीक है, और इसे जाके पेस्ट कहाँ करना है, इसे जाके पेस्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में, जो आपकी ये ऐप इसमें जो ये ग्रेडल स्क्रिप्ट आती है, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो सेकंड ऑप्शन मिलेगा बिल्ड ग्रेडर मोबाइल मॉड्यूल ऐप, सॉरी। ठीक है, ये जो बिल्ड ग्रेडर है इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे साइड जब आप आएंगे तो देखिए ऑलरेडी बहुत सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पर ऐड की हुई हैं। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे, न्यू लाइन, लास्ट लाइन पे जाके, या जहाँ भी आप चाहे वहाँ जाके जो लाइन हमने वहाँ से कॉपी की थी उसे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपको ग्रेडल का फायदा समझ में आएगा कि मैंने सिर्फ ये लिंक डाला है और उसके बाद देखिए ऑप्शन ऊपर ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ पे देखिए सिंक नाउ ये लिखा रहा है, सिंक नाउ। तो सिंक नाउ से क्या होगा, ये वॉली की वो लाइब्रेरी को मेरे प्रोजेक्ट में डाउनलोड करके ऐड कर देगा, मतलब मुझे कोई URL पे नहीं जाना, मुझे कोई बात नहीं, जैसे कोई पैकेज डाउनलोड नहीं करना, मुझे सिर्फ इसको सिंक करना है। बस इसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी कि यहाँ पर आपको नेट की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए ये नेट से कुछ देखिए, इससे नेट से डाउनलोड किया और प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। देखिए ये हो गया, मतलब वॉली का रेफरेंस मेरे प्रोजेक्ट में आ गया, मुझे ज़्यादा कुछ और नहीं करना है कि फाइल को डाउनलोड वगैरह नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। ठीक है, क्यों जाना है, क्योंकि देखिए अब आपको बता दूं कि अब हम भेजेंगे एक रिक्वेस्ट, तो अगर अपन रियल वर्ल्ड के हिसाब से सोचें तो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो इंटरनेट के थ्रू जाएगी, तो अब आपकी एप्लीकेशन को वो परमिशन होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, इंटरनेट एक्सेस कर सके। तो हमें अब अपनी एप्लीकेशन को क्या प्रोवाइड करनी है, एक्सेस प्रोवाइड करना है इंटरनेट का। ठीक है, तो कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे अपनी जो हमारी मैनिफेस्ट फाइल है, ठीक है ना, ये हमारी मैनिफेस्ट फाइल है, देखिए ये, ठीक है ना, ऐप मैनिफेस्ट ये दिख रही है, इसको क्लिक करके आप इसे ओपन कर लेंगे, और जहाँ पर आपका एप्लीकेशन टैग चालू हो रहा है उसके ऊपर, या जहाँ एप्लीकेशन टैग खत्म हो रहा है वहाँ पर, कहीं भी, पर एप्लीकेशन के अंदर नहीं, बाहर ही कहीं पर, आपको यहाँ पर जाके एक, ये देखिए यूजेस परमिशन नाम से आपको यहाँ पर इंटरनेट परमिशन को क्या करना है, ऑन करना है, मतलब अलाउ करना है, ये देखिए। ठीक है ना, इंटरनेट परमिशन क्या करनी है, आपको अलाउ करना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, फिर से बता दूं, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं या ऐसी डिवाइस पे प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं जो कि एंड्रॉयड API 28 को सपोर्ट करता है, से हायर है, सपोज मान लीजिए अगर कोई एंड्रॉयड जो API लेवल 28 के ऊपर है, या लेटेस्ट डिवाइस जो आने वाली आ रही हैं एंड्रॉयड 9 एंड्रॉयड पे आ रही हैं, तो या तो आप अगर उन पे इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ क्या है, मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉयड ने सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा दी है, तो अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप एक कोई ऐसा URL एक्सेस करते हैं जो सिक्योर नहीं है, सिक्योर मतलब जैसे आपने देखा होगा HTTP और HTTPS, ठीक है ना, पहले के जो फ़ोन एंड्रॉयड था 9 के पहले वाले, 28 API के पहले वाले, उसमें इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जा रहा था, बट अब जो भी फ़ोन आ रहे हैं या एंड्रॉयड आ रहा है उसमें सिक्योरिटी इशू दे रहा है, मतलब ऐसे URL जिसमें बाय डिफॉल्ट HTTPS नहीं है, मतलब वो सिक्योर अगर नहीं है तो वो आपको परमिशन नहीं दे रहा है कि आप उसे एक्सेस करिए। मतलब इसकी एक सेटिंग होती है जिसका नाम है क्लियर टेक्स्ट, जो बाय डिफॉल्ट कर दी है, डिसेबल कर दी है एंड्रॉयड ने 28 के ऊपर के APIs के लिए।
तो अगर हम मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसे यहाँ पर मुझे अलाउ करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। पहले ये चीज़ बाय डिफॉल्ट अलाउ रहती थी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नीचे जाके मैं लिख रहा हूँ एंड्रॉइड कॉलन यूज, देखिए यहाँ पर अपने आप ऑप्शन आ गया, देखिए यूज क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, इसे आप क्या करेंगे ट्रू कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि आप अलाउ कर रहे हो कि आप नॉन सिक्योर एप्लीकेशन को भी यूआरएल को भी क्या कर पाओगे, उसको भी रिक्वेस्ट भेज पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको ट्रू कर दिया। अब हम क्या करें, फटाफट से कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं गया टेक्स्ट में और यहाँ से मैंने जैसे एक प्लेन टेक्स्ट बना लिया। ठीक है ना, और इसको कॉन्स्टेंट लेआउट पे काम कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो मैं इसको इसके साइड के बैंड्स को खींच लेता हूँ और कर लेता हूँ। ठीक है ना, फिर ऐसे ही मैं दूसरा बना लेता हूँ एक, इसको भी आप जैसा चाहें वैसा बना ले, कोई इशू नहीं। और एक बना लेता हूँ मैं बटन। ठीक है, ये बटन मैंने बना लीजिए ड्रैग कर दी यहाँ पर, और इसको मैंने इसके राइट साइड के पैंट को और लेफ्ट साइड के पैंट को एक्टिविटी पेरेंट से मैच करा दिया, और इसको मैच करा दिया वॉलेट एक्सपोर्ट से कि इसके साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये बटन आ गई मेरी। अब बटन पे अगर कुछ प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहें तो कर लेते हैं, जैसे कि कॉमन एट्रीब्यूट पे चले जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ एट्रीब्यूट सेट कर लेते हैं, जैसे टेक्स्ट। तो बटन पे जाके मैंने सिंपल लिख दिया जैसे सेंड। ठीक है ना, ऐसे मैं टेक्स्ट बॉक्स पे जा रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स का भी टेक्स्ट जैसे नेम दिया है, तो नेम पे मुझे चाहिए, तो मैं नेम की जगह उठा के मैं इसको हिंट में डाल देता हूँ नेम हियर। ठीक है, और इसका भी टेक्स्ट का नेम हटा के हिंट में डाल देता हूँ पासवर्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ जाके जब आपको लगता है कि काम हो रहा हो तो आप यहाँ पे टेक्स्ट में जाके इसको पासवर्ड ले लीजिएगा। मतलब मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं टाइप क्या कर रहा हूँ और वो सर्वर के पास सेंड होगी। आप जब रियल एप्लीकेशन बनाए तो इसको पासवर्ड टाइप कर रख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने रखे हैं। वैसे मुझे इसके स्ट्रिंग रिसोर्स बनाने चाहिए थे, बट आप डायरेक्ट भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हार्ड कोड स्ट्रिंग ले रहा हूँ, आप चाहे तो स्ट्रिंग रिसोर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मैं जा रहा हूँ जावा की फाइल में और यहाँ पर मैं एक इवेंट बना रहा हूँ या एक फंक्शन मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड ऑन सेंड। ठीक है, मतलब मैं बटन को इवेंट असाइन करूँगा। इवेंट कैसे आप असाइन कर रहे हैं, इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, वो आप चाहे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने लगाया और ये, और इसको मैं एरर को कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए, और एंटर। ठीक है, अब इसको जाके हम असाइन कर देते हैं किसको, बटन। तो बटन पे गए सेंड और उसके ऑन क्लिक पर जाके देखिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया ऑन सेंड, मतलब इस बटन पे क्लिक करने पे हमारी ये वाली चीज क्या होगी, कॉल होगी। ठीक है, और मुझे क्या करना है, देखिए फटाफट मैं उनके रेफरेंसेस बना लेता हूँ जो मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हुए हैं। एडिट टेक्स्ट, ठीक है ना, तो इसको नाम देते हैं T1 और इसमें स्टोर करा लिया अपन ने रेफरेंस पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का, विच इज फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, ये देखिए एडिट टेक्स्ट पहले वाले का नाम। अच्छा, इसकी आईडी आप देख लीजिएगा क्या है, मैंने पहले वाले की आईडी देखी, यहाँ से देख रही है एडिट टेक्स्ट, और इसकी आईडी है एडिट टेक्स्ट 2। ठीक है ना, तो मैंने इसको मैं याद T1 दिया हुआ है मैंने, और ऐसे ही मैं बना लेता हूँ T2 के लिए। ठीक है, और यहाँ पर इसकी आईडी चेंज करके एडिट टेक्स्ट 2 कर देते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स के रेफरेंसेस भी बन गए। अब हमें यहाँ क्या करना है, देखिए हमें सबसे पहले
यहाँ पर क्रिएट करना है कुछ वेरिएबल्स। सबसे पहले हम यहाँ बना रहे हैं एक स्ट्रिंग URL, URL, ठीक है ना, कि जिस सर्वर पे आपको रिक्वेस्ट भेजनी है वो कौन सा है। तो यहाँ आपको मैं थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर दूँ कि आपको यहाँ क्या करना है। अगर आप कोई रियल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई वेबसाइट है या कोई ऐसी आपका कोई सर्वर है, तो आप प्रॉपर जैसे ये डोमेन लिखते हैं वैसा आप यहाँ पे URL लिखिए, ठीक है, रियल के लिए ये वाला, ठीक है। बट अब क्योंकि मैं जो सर्वर यूज़ कर रहा हूँ वो लोकल होस्ट है, मतलब मेरा खुद के इसी लैपटॉप पे डाला हुआ है, इस डेस्कटॉप पे डाला हुआ है, तो मैं आपको तीनों चारों तरीके लिख के दे रहा हूँ, बट उनको मैं कमेंट कर दूंगा। तो एक और URL मैं बना रहा हूँ, तो ये वाला तरीका आप यूज़ करेंगे कब, जब आप रियल सर्वर पे जाएंगे। कमेंट कर दिया मैंने, ठीक है, इस तरह से ये आप कब यूज़ करेंगे, जब आप रियल सर्वर पे जाएंगे। मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, ये वाला यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला आप कब यूज़ करेंगे, जब मैं लोकल होस्ट या लोकली काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये प्रोजेक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे ओपन करके देख सकते हैं, इसकी कोडिंग को समझ सकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा HTTP:// अब यहाँ आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आप यहाँ लिख रहे हैं लोकल होस्ट /volley, ठीक है ना, जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था, देखिए कि मेरा जो लोकल जो पाथ है वो क्या था, लोकल होस्ट /volley/index.php, ठीक है ना, ये था, ये मेरा है। अगर मैं ये का यही उठा के यहां डाल देता हूं, यहां टाइप कर देता हूं volley/index.php, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको रन जब करूंगा किस पर, AVD पर, ठीक है, हमने AVD अभी तक ऑन नहीं किए, चलिए मैं आपको ऑन करके दिखाता हूं। मैं AVD ऑन कर रहा हूँ, जब तक वो ऑन होगी अपन यहाँ पर कोडिंग पूरी कर लेंगे। तो मैंने AVD बनाई हुई है, देखिए मैंने यहाँ पर गौर करिए, मेरा जो API लेवल है वो 28 है, मैं इसलिए बोल रहा था कि अब जो आप अगर लेटेस्ट AVD पर चला रहे हैं तो 28 अगर आप ले रहे हैं, तो जो मैंने मैनिफेस्ट में जाके जो सेटिंग की थी वो आपको करनी पड़ेगी। मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, देखिए जब तक ये चालू हो रहा है मैं आपको आगे की कोडिंग बता देता हूँ, जब तक इसको चालू होने देते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करना है, अब यहाँ आपको क्या करना है, आप लोकल होस्ट से काम नहीं चलाएंगे क्योंकि ये रन होगा काहे पर, AVD पर। तो जब आप देखिए लोकल होस्ट होता क्या है, लोकल होस्ट ये समझ लीजिए अपने आप अपनी आप मशीन को डिफाइन करता है, मतलब जिस मशीन पर आप रन कर रहे हैं उस पोर्ट को लोकल होस्ट उसे रेफरेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो हम जब लोकल होस्ट लिखेंगे तो वो एंड्रॉयड फ़ोन खुद को लोकल होस्ट समझ लेगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़, आप ये जो मशीन है जिस पे आपने वैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, आपको इसका IP एड्रेस पता होना चाहिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो जिस वैम्प सर्वर को हम यूज़ कर रहे हैं लोकल पे, उसका IP एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब ये IP एड्रेस डालना है, या फिर आप यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ डालिए, अगर आप डिवाइस से इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप एक IP है विच इज़ कॉल्ड 10.0.0 sorry 2.2। ये जो IP है 10.0.2.2, ये जो है ये एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू जब आप लोकल वाइज एक्सेस करेंगे तो वो इस मशीन जो इसकी होस्ट मशीन है जिसमें वैम डला हुआ है उसको ये कॉल करेगा, ठीक है ना। साथ में दूसरा तरीका एक और हो सकता है जिसमें आप इस करंट इसका क्या पता कर लें, IP एड्रेस पता कर लें, ठीक है ना। IP एड्रेस कैसे पता करेंगे, तो आपको खोलना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपको सिर्फ लिखना है IP config और एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपको जो IP एड्रेस आपको यहाँ मिल जाएगा, ये लिखा रहा है 192.168.43.142, आप यहाँ पर भी ये डाल सकते हैं,
अच्छा, ये वाला आप सिर्फ स्पेसिफिक तभी यूज करेंगे, ये वाला आईपी एड्रेस, जब आप एवीडी से काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? आप क्या कर रहे हैं? एवीडी से काम कर रहे हैं, एवीडी से, ठीक है? तो इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट मतलब लिख के रख रहा हूँ यहाँ पर, आप जैसे सहेगा। अब बात सेकंड चीज आ गई, अब आ गई, अगर आप लोकल होस्ट एक्सेस करना चाहते हैं, लोकल होस्ट, बट वो आप रियल डिवाइस पे यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए रियल डिवाइस मतलब आपके फोन पर, रियल फोन पर, तो यहाँ पर इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पर अब आपको आईपी एड्रेस ही डालना पड़ेगा। तो जो मैंने आईपी एड्रेस यहाँ से देखा था, देखिए वो मैं देख लेता हूँ, 192.168.43.1, ठीक है ना? तो वो मुझे यहाँ पर डालना है, देखिए मैं डाल देता हूँ 192.168.43 और 145, 144, 142, 142, 43.142, ठीक है ना? ये मैंने डाला है और फिर एक्सेस किया है। तो अब ये आपका टोटल डिपेंड करेगा कि आप ये वाला यूज कर, रियल है तो आप ये यूज करिए, आप अगर अपने लोकल उसको एवीडी पे लगाना चाह लगा के देखना चाहते हैं, एवीडी डिवाइस पर आप चलाएंगे तो आप ये वाला पाथ यूज करेंगे, अगर रियल डिवाइस पर चलाना है तो ये पाथ करेंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, एज ए पैरामीटर भी पास करना है, तो यहीं पर हम पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो हमें दो पैरामीटर भेजने हैं इसके साथ, नेम इक्वल टू नेम, अब ये वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्लस, और वो आएगी किसकी, वो आएगी T1 की, जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है? ये पहला पैरामीटर हो गया, प्लस उसके बाद कॉन्केट कर देंगे हम एंड से। दूसरा पैरामीटर हमने क्या डाला है, PWD, तो इक्वल टू PWD की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो प्लस करके वो लगा दिया T2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये कंप्लीट URL बन गया, ठीक है? अब अगली स्टेप हमें क्या करनी है, अगली स्टेप में हम बनाएंगे एक रिक्वेस्ट क्यू, ये देखिए रिक्वेस्ट क्यू, ये वॉली पैकेज हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं वहां पर डिपेंडेंसी में, तो ये लेके आ गया, हमने क्यू बना ली, ये देखिए पैकेज ऑटोली आ जाएगा, तो मैंने क्यू बना लेता हूँ, ठीक है? न्यू ठीक है ना, तो मैं को एक रिक्वेस्ट बना लेता हूं, मैं तो मैंने वॉली डॉट, ये देखिए न्यू रिक्वेस्ट क्यू बनाई मैंने, और यहां पर कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया करंट एक्टिविटी का, ये रिक्वेस्ट बन गई मेरी, रिक्वेस्ट क्यू मतलब इसे कि इसी क्यू में जाके हम जो रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे वो भेजेंगे, ठीक है? अब अगली स्टेप मुझे क्या है, मैं यहां पर बना रहा हूं एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट वॉली का, ये देखिए इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, ठीक है? अब इसके अंदर मुझे कुछ पास करना है, देखिए पहला पैरामीटर जो मुझे पास करना है वो है मेथड का टाइप, मतलब मेथड गेट जाएगी कि पोस्ट, तो हम वहां पे गेट रिसीव कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट, ठीक है? सेकंड पैरामीटर मुझे क्या पास करना है वो है देखिए URL, ये लिखा रहा है देखिए स्ट्रिंग URL, तो मैंने जो URL वेरिएबल आप जो भी यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पास करेंगे URL, ठीक है? थर्ड पैरामीटर मुझे क्या पास करना है, लिस्नर, ठीक है? लिस्नर मतलब कि जब रिस्पॉन्स आएगा तो क्या होगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू रिस्पॉन्स लिस्नर, जैसे मैं लिखूंगा, ठीक है, ये देखिए मेथड को ओवरराइड कर देगा, यहां इसने देखिए मेथड क्या कर दी, ओवरराइड कर दी, ठीक है? ये इसका ब्रैकेट यहाँ खत्म हो रहा है। अब कॉमा लगा के एक और मेथड मुझे यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है, विच इज न्यू एरर लिस्नर, मतलब अगर एरर आई तो क्या होगा, ये तो आएगा जब रिस्पॉन्स आएगा, मतलब जब रिस्पॉन्स आएगा सही, मतलब करेक्ट रिस्पॉन्स आएगा तो ये चीज होगी, और एरर रिस्पॉन्स आएगा तो ये इसको कॉल करेगा, तो यहाँ ये वो लाइन है, ठीक है ना, ये वो रिस्पॉन्स है जो वहां से आएगा, और हमें यहाँ वो वर्क करना है जो हम
डिस्प्ले कराना चाहते हैं या जो भी प्रोसेस हम कराना चाहते हैं, और यहाँ पर हम वो कोड लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, कि अगर कोई एरर आई तो क्या होगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे वो कोड जो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये रिक्वेस्ट भेजी और ये रिस्पॉन्स आ रहा है, देखिए यहाँ से। तो ये रिस्पॉन्स में आप क्या कराना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। मैं स्ट्रिंग लिया है तो अपन या तो टोस्ट डिस्प्ले करा लेते हैं, तो मैंने लिखा है एक टोस्ट, और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। देखिए रिस्पॉन्स, ठीक है, और अगर आप चाहें तो एरर को भी अपन यहाँ डिस्प्ले करा लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई एरर आती है तो एक टोस्ट प्रिंट करा लेंगे। टोस्ट में अब यहाँ पे देखिए जो एरर आ रहा है वो वॉली एरर टाइप का आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस एरर मेथड, एरर को यूज करेंगे, और इसकी एक मेथड है जिसका नाम है गेट मैसेज, जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करती है। तो अगर कोई एरर आई तो ये प्रिंट होगा, और अगर नहीं तो ये टोस्ट प्रिंट होगा। चलिए, इन दोनों मेथड को ओवरराइड करने के बाद ऑन रिस्पॉन्स एंड ऑन एरर रिस्पॉन्स, ठीक है, दोनों मेथड ओवरराइड करने के बाद अब लास्ट काम जो हमें बचा है वो ये है कि जो हमने क्यू बनाई हुई है, देखिए हम इस क्यू में जो क्यू ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, ठीक है ना, जो रिक्वेस्ट क्यू बनाई है हमने उसके अंदर हम इतनी रिस्पॉन्स ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड मेथड के थ्रू हमने क्या किया, रिस्पॉन्स, सॉरी, जो हमने रिक्वेस्ट बनाई है उसे ऐड कर देते हैं। ये एक तरह से रिक्वेस्ट सेंड करने का एक तरीका है, मतलब ये चीज कहलाएगी जब आप समथिंग सेंड करने के लिए। अब आखिरी काम जो हमें बचा है कि हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। चलिए, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी एवीडी पहले से चालू है, ये देखिए इसमें ये ऐप रन हो गई। मैं नेम में इसे डाल रहा हूँ हैरी, पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ 1234, ठीक है ना, कीबोर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ, देखिए, और सेंड पे क्लिक किया तो ये मैसेज आ रहा है, देखिए, हेलो हैरी, ठीक है ना, पासवर्ड इज 1234। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से मैसेज आ रहा है, जो मैंने वहाँ से PHP की फाइल से मैसेज भेजा हुआ था। तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन हो गई जिससे आप यहाँ से डेटा भेज सकते हैं, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट ले सकते हैं, वहाँ से रिस्पॉन्स ले सकते हैं। यहाँ जो तरीका मैंने यूज़ किया है वो गेट यूज़ किया है, और अपनी रिक्वेस्ट के साथ कुछ पैरामीटर्स बताए हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई साथ में यहाँ से डेटा नहीं भेजना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से नेम और पासवर्ड भेज रहा हूँ, आप सपोज सिंपल रिक्वेस्ट लेना चाहते हैं सेंड पर क्लिक करने पर या जैसा भी, तो ये पैरामीटर ऑप्शनल है। आप सिर्फ इस URL में सिंपल इस फाइल का नाम भर देना दे सकते हैं। अच्छा, वॉली लाइब्रेरी भी मैं, और भी फीचर्स हैं जैसे JSON वगैरह के साथ भी ये प्रोसेस करता है, मल्टीपल आप वेब रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इन पर भी वीडियो बनाऊँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अब मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।